दोस्तों, आज के वक्त में पूरी दुनिया में कहीं भी सेमीकंडक्टर चिप की बात होती है तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं भारतीय सेमीकंडक्टर को हमेशा से इग्नोर कर दिया जाता है। और ख़ासकर वह कंपनियां दोस्तों जो कि भारत में काफ़ी पुरानी सेमीकंडक्टर कंपनियां हैं और जो कंपनियां काफ़ी समय से भारत के डिफेंस एवं एरोस्पेस के क्षेत्र में भी कई सारी मल्टीपल टाइप की सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की सप्लाई करती आ रही हैं। और ऐसे ही दोस्तों हमारे भारत की एक काफ़ी पुरानी कंपनी है जिसका नाम है CDIL यानी कि कॉन्टिनेंटल डिवाइसेस इंडिया लिमिटेड। और ये कंपनी दोस्तों भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वर्ल्ड क्लास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और यह हमारे भारत में काफ़ी बड़े लेवल पर सिलिकॉन चिप को प्रोड्यूस करती है। और यह कंपनी 1970 से भारत के अंदर काम कर रही है। और दोस्तों यह कंपनी न केवल डिफेंस बल्कि भारतीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट में भी अपना काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखती आ रही है। और यही कंपनी की चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में हो रही है क्योंकि अब यह कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा बड़ा करने वाली है। और साथ ही इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने से चाइना के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट को समझेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरी देखिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दोस्तों मेन खबर यह है कि रिसेंटली आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया कि भारतीय CDIL कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को और ज़्यादा बड़ा करने वाली है और भारत के कोने कोने में अपनी यूनिट सेटअप करेगी। और इसके लिए कंपनी हमारे भारत के हर एक राज्य में करीब 100 मिलियन तक इन्वेस्ट करेगी। और दोस्तों आपको यह जानकर काफ़ी खुशी होगी कि यह हमारे भारत की पहली कंपनी थी जिसने भारत में सबसे पहले सेमीकंडक्टर एवं कई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन करना शुरू किया था। और इस कंपनी को उस वक्त में हमारी भारतीय मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया था। दोस्तों यह कंपनी अपने नए यूनिट को सेटअप करने के बाद कई फेसेस में काम करेगी। पहले फेसेस में यह कंपनी हर एक सेमीकंडक्टर का 50 मिलियन यूनिट बनाने पर काम करेगी और साथ ही यह सेमीकंडक्टर ज्यादातर भारत के लिए इंडस्ट्रियल डिफेंस एवं एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने पर काफी ज्यादा ध्यान देगी। और दोस्तों ये जितने भी कंपोनेंट्स एवं सेमी चिप बनेंगे वह भारत समेत अमेरिका, जर्मनी, हांगकांग, कोरिया, जापान जैसे देशों को सप्लाई होंगे। और दोस्तों भारत में इतनी बड़ी सप्लाई चेन होने के बाद भारत जो चाइना से हर साल करीब $40 बिलियन के प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करता है वह 2028 तक पूरे तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी 2023 में भारत के द्वारा निकाली गई PLI इलेक्ट्रॉनिक स्कीम के तहत 15 कंपनियों ने अपने नाम दे दिए हैं जो कि आगे चलकर CDIL कंपनी के साथ मिलकर एक बड़ी सप्लाई चेन को बनाएंगे। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों CDIL के द्वारा की गई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।